फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं जयपुर से पुष्कर। पुष्कर में अभी मेला लगा हुआ है, काफ़ी फेमस, वर्ल्ड फेमस मेला लगता है पुष्कर के अंदर, तो वो आपको दिखाएंगे। अभी तो रात हो रही है, सुबह जल्दी की ट्रेन है, यहाँ से निकलेंगे हम जयपुर से और मिलते हैं आपसे फिर सुबह। अभी इसलिए शूट कर लिया क्योंकि सुबह नींदों में रहते हैं तो शूट हो नहीं पाता इसलिए। और आप बने रहिए वीडियो में, काफी मजा आएगा आपको वीडियो में। जयपुर टू पुष्कर। तो फ्रेंड्स, हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और ये ट्रेन हमारी आ गई है, मारवाड़ एक्सप्रेस। इसी से हम जाएंगे पुष्कर, तो बने रहिए आप वीडियो में। फ्रेंड्स, हम अजमेर जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से पुष्कर के लिए बस करेंगे और यहाँ से निकलेंगे थोड़ी सी देर में खाना वाना खा के। तो आप बने रहिए वीडियो में और काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी इसकी मत करना वीडियो को, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पुष्कर मेला काफ़ी फेमस मेला है, उसको अगर आपको देखना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। फाइनली हम पुष्कर में पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए बस वाले ने पहले उतार दिया, थोड़ा पैदल पैदल जा रहे हैं थोड़ा आगे। पहुंच चुके हैं विश्राम घाट के पास। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे भाई है जो व्यवस्था संभाल रखे हैं। तो यहाँ पे आरती कितने बजे होती है? महाआरती शाम को कितने बजे? 7:15 बजे। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं, कोई भी यहाँ पे जूते वगैरह लेके नहीं आए, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। फ्रेंड्स, हम अब यहाँ पे नहाने की व्यवस्था हमने कर ली है, यहाँ पे भीड़ कम है, क्राउड भी कम है। तो यहाँ पे मैं और रौनक नहाएंगे और रेडी होएंगे, फिर जाके ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग नहा रहे थे उधर, पहले काफ़ी क्राउड था तो यहाँ पे आ गए हम। फ्रेंड, स्नान करके हम एकदम रेडी हो चुके हैं, रौनक भी एकदम तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बाल वाल बारा है रौनक। अब यहाँ से हम निकलेंगे और मेन जो भी मंदिर है उनके दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तो बने रहिए वीडियो में। Thank you.
तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि फिर पुष्कर मेले का जो भी वीडियो है मैं अब सेकंड पार्ट में डालूंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं आपको ये ब्रह्मा जी के मंदिर के अंदर के दर्शन इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था सुरक्षा कारणों की वजह से, इसलिए तो आप लोग बुरा मत मानना। मिलते हैं फिर सेकंड पार्ट में।